नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम फैमिली गुरु में। मैं हूं आपके साथ स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और हम बात करेंगे राशियों की, यानी कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, कितना पॉजिटिव रहने वाला है और क्या परेशानी लेकर आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। पैसों से संबंधित निर्णय लेने के लिए दूर दृष्टि रखकर सोच विचार करने की आपको आवश्यकता है। आज लिए गए निर्णय के कारण अगले कुछ दिनों में आपको फायदा ही फायदा मिल सकता है। अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग से संबंधित जानकारी और मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करने की आपको जरूरत है। वृषभ राशि, अपने जिद्दी स्वभाव में बदलाव करने की कोशिश करें। जिन बातों में जिद करते हुए आप अहंकार कर रहे हैं, उन्हीं बातों की वजह से रिलेशनशिप में दरार उत्पन्न हो सकती है। इसे दूर करना आपके लिए कठिन होगा, लेकिन आप कोशिश जरूर करिए। प्रॉपर्टी से संबंधित बातों को सुलझाने के लिए नियमों के अनुसार ही कार्य करते रहें। काम की जगह बढ़ते कॉम्पिटिशन की वजह से सहकर्मियों में कलेश हो सकता है। मिथुन राशि, समय का ठीक से उपयोग ना करने की वजह से आपको पछतावा हो सकता है। जिन बातों से में आसानी से प्रगति हो रही थी, उनको नजरअंदाज करने की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। अवसर का फायदा उठाते समय सतर्कता रखें। पार्टनर के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। कर्क राशि, कठिन निर्णय सोच विचार करके ही ले। निर्णय को अमल में लाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। अच्छे से डिसीजन सोच समझकर ही लीजिए। कुछ लोगों के साथ स्पष्ट रूप से बात करने की वजह से संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से नुकसान होने की संभावना नहीं है। सिंह राशि, बेचैनी रहने की वजह से काम का बोझ महसूस होने लगेगा। जिम्मेदारी खुद से ही पूरी करने की कोशिश करें। कोर्ट से संबंधित बातें मुश्किल हो सकती हैं, फिर भी अपने काम का मार्ग ढूंढते समय आपको कायदे में रहकर ही काम करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को काम में रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन काम की बाधाओं को दूर करने के लिए सही व्यक्ति का साथ भी आपको मिलेगा, जिससे आपके लिए आसानी रहेगी। कन्या राशि, आपके लिए दिन लाभदायक साबित होगा। खर्चों की मात्रा अधिक रहेगी, लेकिन खर्चों की वजह से आपको आनंद ही होगा। पैसों से संबंधित चिंता फिलहाल नहीं होगी, लेकिन निवेश के बारे में सोच विचार जरूर कर लें। काम की जगह पर सहकर्मियों के साथ कुछ संबंध सुधरने लगेंगे। आपके जो पिछले कुछ दिनों से बिगड़ गए थे संबंध, वो थोड़े बेटर हो जाएंगे अब आने वाले टाइम में। तुला राशि, यात्रा से संबंधित लिया गया निर्णय आपके लिए फायदेमंद होगा। नए लोगों के साथ जान पहचान होने की वजह से आपको प्रसन्नता होगी और इन्हीं लोगों की वजह से आपको नई बातें सीखने को भी मिल सकती हैं। मानसिक रूप से होने वाली तकलीफ कम हो सकती है। विदेश से संबंधित काम करते समय हर एक बात को ध्यान पूर्वक आपने सोचना है, समझना है, फिर उस पर अमल करना है। वृश्चिक राशि, मित्रों के साथ बिताया हुआ वक्त आपको आनंद देगा। एक दूसरे के विचारों को जान पाने की वजह से अपने व्यक्तित्व में बदलाव करना आसान रहेगा। जो निर्णय लेने से आप अभी तक कतरा रहे थे, वह मित्र की सहायता से लेना संभव हो सकता है। आपके लिए रिलेशनशिप और पार्टनर को परिवार के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो अपने रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करेंगे, तो फैमिली में बड़े आराम से उन्हें स्वीकार किया जाएगा। धनु राशि, पैसों से संबंधित बातों में सतर्कता रखने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभाल कर रखें। खो जाने की या चोरी होने की बहुत ज्यादा संभावना बन रही है। कीमती वस्तुओं से संबंधित नुकसान हो सकता है। काम से संबंधित बातों में रुकावट दूर करने के लिए और संयम रखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। मकर राशि, गैर कानूनी बातों पर ध्यान देने से आप अपने व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस कारण मानसिक तकलीफ हो सकती है, साथ में आपका भी नुकसान होगा। युवाओं के लिए दिन लाभदायक साबित होगा। काम के नए अवसर आसानी से आपको मिल सकते हैं आज के दिन। कुंभ राशि,
सही समय पर सही निर्णय ना लेने की वजह से जो उलझनें उत्पन्न हुई हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। मित्रों के साथ संबंध बदलते हुए नजर आएंगे, इस कारण आपको बेचैनी और मानसिक तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है आज के दिन। मीन राशि, अपनी संगत को ठीक से परखने की आवश्यकता है। कुछ लोग आपकी कमजोरी की वजह से गलत फायदा उठा सकते हैं। अपनी कमजोरी या पैसों से संबंधित बातों की चर्चा बाहरी लोगों के साथ बिल्कुल भी ना करें। परिवार से संबंधित बातों को भी गोपनीय रखने की आवश्यकता है। अपनी जो भी फैमिली की भी बातें हैं उसको अपने घर तक ही रखें, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में उसको बिल्कुल ओपन ना होने दें। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, नमस्कार।